मौजूद है और पुलिस वाले मौजूद है। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चढ़ कर देखिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा चढ़ चुके हैं, चढ़ चढ़ कर जा रहे हैं और पूरे बंदे को उसको पूरे बंदोबस्त को तोड़ते हुए अंदर बढ़ चुके हैं। लगातार यहाँ पर आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को और पूरे बैरिकेड्स को पलट दिया। ये देखिए सामने कांग्रेस यूथ के जो झंडा है उसको किस तरीके से यहाँ पर पैरों द्वारा कुचला जा रहा है। सामने आपके तस्वीरें हैं, ये आप सामने देखिए किस तरीके से। अभी आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस के सारे युवा और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो किया जा रहा है दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति यानी कि शराब नीति के चलते किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, केजरीवाल का जो दफ्तर है उसका घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो बैरिकेड्स पे आप ये युवा और कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, कांग्रेस के युवा और कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड्स पे जो है चढ़ाई इन्होंने चालू कर दिया है। उस तरफ जो है उस तरफ पार में पुलिस वाले हैं जो मनाही कर रहे हैं कि आप ये काम ना करिए। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं पूरी भीड़ उमड़ चुकी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, जो लगातार अब बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए ये यहाँ पर जो आ चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरा जोर लगाकर जो है पूरा बैरिकेड्स को उस तरफ धकेला जा रहा है। पुरजोर के साथ यहाँ पर जो है कांग्रेस युवा और कार्यकर्ता लगातार ये कर रहे हैं और पुलिस वाले उस तरफ मौजूद हैं। पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं तस्वीर है, ये दिल्ली यूथ कांग्रेस की है जो यहाँ पर सभी युवा और सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर पुरजोर के साथ जो बैरिकेड्स को धकेल रहे हैं। यहाँ पर जो केजरीवाल कार्यालय है उसका घेराव करने आए हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनका उन्हीं का यहाँ पर घेराव करने आए हैं ये लोग। शराब नीतियों के खिलाफ इनका विरोध है। ये सामने से आप सामने देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को पूरा नीचे से उखाड़ कर ही उठा दिया गया है। सामने आपके तस्वीरें हैं, ये देखिए सामने इस तरीके से पूरा बैरिकेड्स जो है यूथ कांग्रेस के युवाओं ने और कार्यकर्ताओं ने पूरा उठा दिया है। पुलिस वाले मना कर रहे हैं, उस तरफ पुलिस वाले हैं, इस तरफ सारा माहौल जो है ये युवा यूथ कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के जो लगातार यहाँ पर पूर जोर के साथ पूरी ताकत के साथ जो है बैरिकेड्स को देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को ऊपर उठा दिया गया है और सामने ये पूरा उस तरफ को धकेला जा रहा है। उस तरफ पूरी पुलिस खड़ी हुई है, पूरी पुलिस मौजूद है। सामने आपके ये तस्वीरें हैं और सामने यहाँ पर जो केजरीवाल का दफ्तर है, सीएम का जो दफ्तर है उसका घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के युवा और यहाँ पर नेता मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो लगातार कार्यकर्ता है ये बैरिकेड्स को धक्के देते हुए अंदर की ओर घुसने की कोशिश है इनकी। लगातार यहाँ पर देखिए आप सामने देख सकते हैं अनिल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली यूथ के प्रेसिडेंट है अनिल चौधरी, और लगातार यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए हैं आधे युवा। जो आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग करते की गई थी उसको उठा दिया गया है, पूरा पुरजोर ताकत के साथ यहाँ पर पूरी बैरिकेड्स जो है उठा दिए गए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर ये बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर उन्हें रुकने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पूरे युवा है लगातार जो बैरिकेड्स को धक्का मारते हुए अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सामने आपके तस्वीरें हैं, पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने जो कुछ पूरा जो युवा है अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा जो बंदोबस्त किया गया है, पूरा बैरिकेडिंग की गई थी जो इनको युवाओं को रोकने के लिए, यूथ कांग्रेस के युवा और नेताओं को रोकने के लिए, वो अब जो बंदोबस्त जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। उस बंदोबस्त को देखिए किस तरीके से पुरजोर ताकत के साथ यहाँ पर पूरा बैरिकेड उठा दिया गया है। महिलाएं भी मौजूद है लगातार, जो सबसे फ्रंट पर महिलाएं खड़ी हुई है वो देख सकते हैं आप। नीचे से निकलने की कोशिश की जा रही है, जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसका घेराव हो रहा है। सामने देखिए, सामने आप देख सकते हैं तस्वीर।
किस तरीके से यहाँ पर जब पूरा बैरिकेड्स को पलट दिया गया है, सामने पुलिस की गाड़ी मौजूद है और पुलिस वाले मौजूद है बैरिकेड्स के ऊपर, चढ़ चढ़ कर देखिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा चढ़ चुके हैं, चढ़ चढ़ कर जा रहे हैं और पूरे बंदोबस्त को तोड़ते हुए अंदर बढ़ चुके हैं। लगातार यहाँ पर आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को और पूरे बैरिकेड्स को पलट दिया। यह देखिए सामने कांग्रेस यूथ के जो झंडा है उसको किस तरीके से यहाँ पर पैरों द्वारा कुचला जा रहा है। सामने आपके तस्वीरें हैं, ये आप सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे बैरिकेड्स को तोड़कर जो है पूरे युवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इसको तोड़कर पार कर लांग चुके हैं। और यहाँ पर पुलिस की जो पूरी फोर्स मौजूद थी वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो पूरे आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर जो नेता है, युवा है यूथ कांग्रेस के, वो किसी की नहीं सुनते, पूरे बैरिकेड्स को धक्के पुरजोर के ताकत के साथ धकेलते हुए पूरा अंदर, जो सामने तस्वीरें हैं आपके, पूरा अंदर जो है केजरीवाल का जो दफ्तर बना हुआ उसका घेराव करने के लिए ये पूरे युवा सामने से आ चुके हैं। पूरा जो बैरिकेड है वो आप सामने देख सकते हैं, पूरे बैरिकेड और पूरे बंदोबस्त को तोड़ते हुए पूरे जो युवा यूथ कांग्रेस के युवा और नेता सारे आगे बढ़ चुके हैं। लगातार यहाँ पर सामने आप तस्वीरें आपके सामने हैं, सामने आप ये देखिए पूरे यूथ कांग्रेस के युवा और नेता हैं वो अंदर यहाँ पर बनी जो केजरीवाल का दफ्तर है, सीएम का दफ्तर है उसके पास आ चुके हैं पूरा घेराव करने के लिए। पूरी भीड़ उमड़ चुकी है, पूरे नेता और युवा यहाँ पर मौजूद हैं। सामने तस्वीरें हैं आपके, आम आदमी पार्टी ऑफिस आपको दिख रहा होगा, राउस एवेन्यू दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। और आप सब देख सकते हैं किस तरीके से पूरी पुलिस जो सामने मौजूद थी, जो इनको रोक रही थी, वो बेबस नजर आ रही है। सामने ये तस्वीरें हैं आपके, ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ताकत के साथ यहाँ पर पूरी पुलिस मौजूद है, लेकिन उनको रोकती हुई और बेबस नजर आ रही है। पूरे यूथ कांग्रेस के युवा और नेता उस बैरिकेड्स को पार करते हुए, तोड़ते हुए, बंदोबस्त को लांघते हुए अंदर भर चुके हैं और सामने आम आदमी पार्टी ऑफिस आप देख सकते हैं है, और उसके आगे ये जमकर बैठ चुके हैं युवा नेता, यूथ कांग्रेस के युवा नेता। यह देखिए सामने पूरे यहाँ पर, और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है पूरे पुलिस वाले मजबूर नजर आ रहे हैं, उनको रोक नहीं पाए, ना ही उनको बैरिकेड तोड़ने से रोक पाए। यहाँ पर लगातार पूरी पुलिस मौजूद है, इस पूरे तमाशे को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शराब को लेकर जिस तरीके से शराब के ठेके खोले गए हैं और एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है, लगातार यहाँ पुलिस जो है इन्हें रोकती हुई नजर आ रही है और इनसे रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके से ना करें, लेकिन पुलिस अब जो है बेबस नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं आपके सामने, लगातार यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के नेता और जो अनिल चौधरी प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर अनिल चौधरी मौजूद है और आपके सामने ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर आप देख सर यहाँ पर किस तरीके से आपको रोक दिया गया है। केजरीवाल चोर है, उसके सारे भ्रष्ट नेता चोर हैं। जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर या बैठा, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक बैठ रहे हैं जब तक ये सिसोदिया जेल नहीं जाए तब तक यहाँ बैठ रहे हैं। पुलिस की पूरे बंदोबस्त को आपने लांग दिया, तोड़ दिया है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस को भी पता है कौन भ्रष्टाचारी है, सबको पता है, बिल्कुल नहीं हटे। आप सामने देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है और किस तरीके से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है सबसे आगे बैठी हुई है, महिलाएं लगातार यहाँ पर बैठी हुई है। क्या हुआ है भाई? वो शराब का ठेका बिकवाएंगे, गरीब आदमी काम करेगा, एक 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 बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल साहब गली गली में बहुत बैठे, भूखे प्यासे मर गए, कहाँ जाएंगे? ये देखिए महिलाओं को किस तरीके से उठाया जा रहा है, ये सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने आम आदमी पार्टी ऑफिस है, उसी सामने ये डटकर जो है यूथ कांग्रेस की महिलाएं हैं, डटकर
पूरी पुलिस मौजूद है और बेबस नजर आ रही है। पुलिस किसी को भी रोकने में असमर्थ नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के जो युवा है और नेता है वो बैरिकेड्स को लांग कर अंदर घुस चुके हैं और लगातार यहाँ पर बैठ चुके थे रोड पर आम आदमी कार्यालय के सामने। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है जो लगातार जारी है यूथ कांग्रेस युवाओं का और नेताओं का। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वाटर कैनन की भी तैयारी कर दी गई है। वाटर कैनन सामने खड़ा हुआ है और जिसे वज्रवान का नाम दिया गया है वाटर कैनन जो खड़ा हुआ है। और यहाँ पर लगातार ये देखिए जो कांग्रेस युवा नेता हैं कह रहे हैं कि यहाँ कि किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये भ्रष्ट नेता को हटाया नहीं जाएगा, मनीष सिसोदिया को हटाया नहीं जाएगा। लगातार अब जो है एलजी ने भी आदेश दे दिया है कि जांच की जाए किस तरीके से जो शराब के लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है उसी को लेकर यहाँ पर अब जो है एलजी ने भी यहाँ पर आदेश दे दिया है। लेकिन युवा नेता जो है लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। सामने सामने आपकी तस्वीरें हैं अनिल चौधरी यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो लगातार सामने से आ रहे हैं। सामने जो है पूरा वाटर कैनन तैयारी कर दी गई है और लगातार यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से माहौल यहाँ पर खराब हो चुका है, कितनी भीड़ उमड़ चुकी है। लगातार धक्का मुक्की जो है वो जारी है और आपको मैं कोशिश कर रही थी कि अनिल चौधरी जो प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के मैं उनसे बात कर सकूं, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, धक्का मुक्की इतनी हो रही है, इतना माहौल खराब है कि आप बात करने के लिए अंदर घुस भी नहीं सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन जो है लगातार मैं अब यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है धकेला जा रहा है पुलिस के द्वारा यहाँ पर धकेला जा रहा है पूरी यूथ कांग्रेस युवा और नेताओं को। जो माहौल है वो बहुत गर्म है, लगातार धक्का मुक्की चल रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनसे बात हो सके लेकिन आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो भीड़ है यहाँ पर मौजूद है।